हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अलीशा मलिक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं, वो है ये। क्योंकि पिछली बार भी मेरे टेबल्स के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए थे और लोग और जानना चाहते हैं और नए नए टाइप के टेबल्स के बारे में, फोल्डिंग बेड टेबल्स के बारे में स्पेशली। तो मैंने सोचा कि मैं एक और टेबल का ट्राई करके आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो एक दूँ इसकी, ताकि आपके पास में और भी ऑप्शंस रहें देखने के लिए। तो अभी जो है मेरे पास में वो है ये कलास का बेड टेबल। ये फोल्डेबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार एंड डीजी का भी रिव्यू दिया था और गोवर्टी टेबल्स का भी रिव्यू दिया था और इसके साथ में मैंने इससे पहले पोर्ट्रॉनिक्स के टेबल का भी रिव्यू दिया था। तो अभी मेरे पास में कलास का टेबल है, लेट्स ट्राई कि ये कैसा है। जल्दी से इसको अनबॉक्स करती हूँ। तो इससे पहले जो मैंने लैपटॉप टेबल्स या फिर जो बेड टेबल्स का रिव्यू किया था, उसके अंदर पहले वाले टेबल्स तो कई सारे उसमें से इलेक्ट्रॉनिक टेबल्स भी थे, लेकिन ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये नॉर्मल टेबल है, सिर्फ फोल्डेबल है ये बेड टेबल। तो मैंने टेबल बाहर निकाल लिया है और मैं इसका बॉक्स साइड में रख दूँगी। इसमें अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल है इसका, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि ये मुझे किस प्राइस में मुझे मिला है। तो ये कुछ ऐसा है टेबल। क्या था ये? छोटे छोटे से कुछ बहुत टाइनी से नट्स भी हैं इसमें। नट्स नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। तो मैं इस पॉली बैग को साइड में रखूंगी अब। और इसके साथ में हमें ये डिटैचेबल जो हैं, ये प्लास्टिक के डिटैचेबल सपोर्टर्स मिले हैं, जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। एक और है जो कि ये सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक का है, अंदर से ये प्लास्टिक है और ये सिलिकॉन का कुछ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये बाकी के स्टार एंड डेजी का जो इससे पहले मैंने रिव्यू किया था, उसके अंदर भी ये चीज़ें आई थी, ये सपोर्टर्स रहते हैं, ताकि आपका जो भी लैपटॉप वगैरह आप यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी आईपैड वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उससे ऐसे करके अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो फिसल के नीचे ना गिरे। तो ये चीज़ इसके साथ में आई है। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं आया है, ये कुछ मैनुअल आया है, ये आप देख पा रहे होगे, ये इस टाइप से कुछ इसका यूज़र मैनुअल आया है। तो इसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि इसके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, बाकी मैं आपको अभी इसका डेमो करके बता दूंगी कि ये किस टाइप से यूज़ करने का है। तो मैं इसको भी अभी साइड में रखती हूँ। बाकी ये है हमारा टेबल, थोड़ा सा इस पर डस्ट है हल्का हल्का, बट ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। मुझे डैमेज्ड नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब इस टेबल को देखा तो मुझे ये लगा है कि इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब कि इसका जो विड्थ है वो तो है, काफ़ी अच्छी विड्थ है, लेकिन इसका जो लेंथ है, मतलब ऐसे में जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। क्योंकि मेरा बेसिकली जब मैं बेड टेबल यूज़ करती हूँ तो मैं काफ़ी सारा सामान लेके बैठती हूँ, और एक लैपटॉप भी शायद, मतलब अगर कोई बड़े साइज़ का लैपटॉप है आपके पास में, तो वो उसके लिए सफिशियंट स्पेस मुझे नहीं लगता कि है। बाकी मैं आपको इसका आगे और चीज़ भी बता देती हूँ। मैं आपको इसका मेजरमेंट सबसे पहले बता देती हूँ। जब मैं इसको यहाँ से मेजर करती हूँ तो इसका साइज़ है अप्रॉक्स 22 इंचेस, और जब मैं इसका लेंथ लेती हूँ तो लेंथ है इसका अप्रॉक्स 11.5 इंचेस, यानी कि 29 सेंटीमीटर्स। तो ये इसका लेंथ है, तो वो मुझे लग ही रहा था पहले कि कम होगा, क्योंकि इसका जो विड्थ है नो डाउट काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि मैंने पहले भी लैपटॉप टेबल्स यूज़ किए हुए हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि विड्थ तो उनका भी इतना ही कुछ अप्रॉक्स रहता है, लेकिन जो लेंथ है वो मुझे कम लग रही है इस वक्त। बाकी अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ, जो कि इसकी स्पेशलिटी है कि इसको ये फोल्डेबल है। तो यहाँ पे जो इसके लेग्स हैं, वो मैंने जैसे ही इसको खोला ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि इसका जो ये लेग्स हैं, ये वाला जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न वगैरह है ना, ये जो दिख रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम, ये मुझे बहुत हद तक पोर्ट्रॉनिक्स वाले जो मेरे बेड टेबल है मेरे पास में, उसके जैसे ही लग रहा है। लेकिन जो पोर्ट्रॉनिक्स वाला जो मेरे पास में बेड टेबल है, उसके अंदर जो ये लेग्स हैं ना, ये वाला जो पार्ट्स हैं, ये सब ये एल्यूमिनियम के हैं, पर ये वाला जो क्वालिटी है इसकी क्वालिटी में, इनकी क्वालिटी में और पोर्ट्रॉनिक्स वाले की क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा अंतर लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्के लग रहे हैं, वो थोड़ा सा हैवी, मतलब क्योंकि वो एल्यूमिनियम के हैं उसके लेग्स, तो वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। बट लेट्स सी कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये जो लेग हैं ये इस तरह से खुलेंगे दोनों,
यहाँ से भी। इसका पूरा डिज़ाइन वही है जो पोर्ट्रोनिक्स वाला जो हमने पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है, मतलब जो इसका फर्स्ट हाइट है, हाइट एडजस्टमेंट, वो इस टाइप का है। ये अभी और भी बड़ा होगा तो ये इस टाइप से रहेगा। इसका यहाँ से जब मैं खोलूँगी इसको यहाँ से प्रेस करके, तो ये इस तरह से इसके हाइट एडजस्टमेंट्स हैं। मैं इधर से भी कर लेती हूँ, यहाँ से इसको, ये स्विच जैसा कुछ दिया हुआ है जो कि सेम पोर्ट्रोनिक्स में भी दिया हुआ था। इस तरह से हमने इसे ऊपर करना है। तो ये इसका फाइनल हाइट एडजस्टमेंट है, जो लास्ट वाला, जो एंड वाला है, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको इसको भी मेजर करके बता देती हूँ कि ये लास्ट कितने हाइट तक जाता है, तो आपको एक आइडिया लग सके आपकी नीड के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से इसको मेजर करती हूँ। तो इसका जो हाइट है ये अप्रॉक्स 13 इंचेस पे आ रहा है, 13 इंचेस यानी 33 सेंटीमीटर्स, और ये इसका लास्ट हाइट एडजस्टमेंट है। और इसके अंदर एक और जो फंक्शन है जो कि पोर्ट्रोनिक्स में भी था, वो ये है कि ये इस तरह से टिल्ट भी हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। इधर से भी मैं इसका लॉक खोलूँगी। इसको मैंने खोल लिया है और अब मैं इसको देखिए, ये इस तरीके से इतना टिल्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से दिखेगा फाइनली। मतलब ये इतना टिल्ट तो हो जाएगा कि हम अगर कुछ भी बैठ के अपने बेड टेबल पर, जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा, अगर मैं अपने बेड टेबल पर अगर इस तरह से बैठ के अगर कुछ काम कर भी रही हूँ, तो वो इजीली मेरा पैर नीचे रख के मैं बेड पे अपना काम कर सकती हूँ। तो आपके पास में कोई मैकबुक है तो आपके लिए ये चीज़ फिर भी ठीक है, वो तो आ भी जाएगी। बट अगर आपके पास में कोई 17 इंचेस का लैपटॉप है तो वो पूरी जगह ले लेगा और बहुत, मतलब उसके अलावा भी फिर जगह नहीं बचेगी। और अगर आप भी मेरी तरह लैपटॉप के साथ में थोड़ा सा माउस यूज़ करने की आदत है आपको, तो वो भी रखने की इतनी जगह बचेगी नहीं कि आप पूरा खुल के माउस को यूज़ कर पाओ। बाकी एज अ पर्सन मैं जब यूज़ करती हूँ लैपटॉप टेबल, जब लैप टेबल जब मैं यूज़ करती हूँ बेड टेबल, तो मैं सोचती हूँ कि उसमें थोड़ा सा मेरा कन्वीनियंस भी रहे। क्योंकि यार बेड पे जब हम बैठ जाते हैं तो हमें, जब हम लैपटॉप लेके बैठ ही रहे हैं तो हम लोग काफ़ी लंबी लंबी सिटिंग्स करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में अच्छा होता कि अगर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी और स्पेस मिल जाती और चीज़ों को रखने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होता। पर ठीक है, वैसे इसका जो प्राइस था वो रहा था अप्रॉक्स 1400 रुपीज़, और मैं इतने में ये लैपटॉप टेबल इज़ अ गुड परचेस। पर अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बड़ा टेबल ही आपको पोर्ट्रोनिक्स का मिल जाएगा। उसके अंदर तो आपको कूलिंग फ़ैन भी मिलता है USB कनेक्टर के साथ में, तो वो भी शायद कभी अगर आप सेल में लेते हैं तो वो अप्रॉक्स इतने में आ सकता है। बाकी मैं आपको इसका वेट भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसका वेट कितना आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग सकेगा कि ये लाइट वेटेड तो है। वैसे जब मैंने उठा के देखा ये काफ़ी लाइट वेटेड है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे भी ये साइज़ में छोटा है तो लाइट वेटेड ही है। तो इसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स 1816 ग्राम्स, 16 to 18 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है ये। बाकी ओवरऑल ये प्रोडक्ट तो है अच्छा, अगर आप स्टडी वगैरह के लिए चाह रहे हो लेना लैपटॉप टेबल या फिर बेड टेबल, तो आपके लिए ये सही रहेगा। बाकी अगर आप इसको, कोई बड़ा आपके पास में लैपटॉप है उसके लिए अगर लेना चाह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थफुल रहेगा, और 1400 में तो बिल्कुल भी नहीं। 1400 के अकॉर्डिंग मुझे ये इतना वर्थफुल नहीं लग रहा है। मैं अगर इसको लेना चाहूँगी तो अप्रॉक्स 800 के अंदर ही लेना चाहूँगी। बाकी हाँ, आपके ऊपर चॉइस है, अगर आपको ये इतना अच्छा लग रहा है तो आप ले भी सकते हैं। बाकी मैं इसके ऊपर आपको बता देती हूँ कि कौन से लैपटॉप्स आ सकते हैं, कौन से नहीं। वैसे मैकबुक है मेरे पास में, मैं आपको रख के बता देती हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैकबुक इस पर आ सकता है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास में मैकबुक है जो कि बहुत अच्छे से कवर में है, और मैं इस कवर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहां पर ये मैकबुक अगर मैं रखती हूं और इसका ये सपोर्टर मैं यहां पर लगा देती हूं, तो ये मैकबुक तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास में M1 है, और ये तो आराम से, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैकबुक के तो सारे ही आ जाएंगे इस पर। बाकी मेरे पास में भी दूसरा भी लैपटॉप है जो कि 17-18 इंचेस वाला है, तो मैं आपको वो भी रख के बता देती हूँ कि वो इस पर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे मेरे पास में एक लेनोवो का भी है लैपटॉप, और वो 17 इंचेस ही है, तो मुझे पहले लगा था कि 17 इंचेस इस पर आएगा नहीं, बट आ रहा है ये तो बड़े आराम से, तो फिर तो सही है। मतलब अगर मैं यूज़ करती हूँ इसको इसके साथ में भी, यहाँ पे मेरा जो भी, अभी तो मेरे पास में माउस नहीं है, पर मेरे पास में जो है मैं उससे आपको बता रही हूँ, माउस के लिए भी अच्छी स्पेस मिल रही है। बाकी अगर जो दूसरे जो टेबल्स का मैंने रिव्यू किया था या मैंने पहले भी आपको बताया है, उसके अंदर थोड़ी सी और भी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि मग होल्डर वगैरह, तो वो इसमें नहीं है, तो वो बड़ी बुरी बात है।
जब मैंने 17 इंचेस वाला लैपटॉप इस पर रख के देखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, मतलब जो मैं 800 रुपये दे रही थी जिसके, तो हम इस वहाँ से शिफ्ट होके हम लोग इसके 1000 रुपये तक मैं दे सकती हूँ इसके, बाकी इससे ज़्यादा तो मैं अभी भी नहीं लगता है मुझे कि ये इतना वर्कफुल होगा। तो अगर मैं इस पर काम कर रही हूँ तो है कन्वीनियंट तो है। खैर यहाँ पर मेरे पास में अभी बेड तो नहीं है, लेकिन मैं नीचे बैठ के भी अगर कुछ काम करती हूँ या फिर अगर मैं कहीं मेरी बैल्कनी वगैरह में भी अगर कुछ काम कर रही हूँ तो ये सही रहेगा, मतलब मुझे लगता है कि। लेकिन अगर आप बेड पे हैं तो मुझे लगता है कि इसके लेग्स काफ़ी हिल रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेड वैसे भी जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है मैट्रेस की वजह से, तो ये तो बड़े हिलने वाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये मुझे इतना ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं लग रहे हैं। तो जो मतलब अगर आपका किसी स्टडी वगैरह के लिए अगर इसका पर्पज़ है अगर आपका, तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बेड पे बैठ के अगर स्टडीज़ करते हो तो आपको राइटिंग भी करना होती है, और राइटिंग के टाइम पे हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैं पर्सनली कभी इसको यूज़ करने वाली हूँ राइटिंग या फिर बेड पे स्टडी के लिए, और स्पेशली मैं कभी लैपटॉप के लिए तो वैसे भी नहीं करने वाली हूँ इसे यूज़। बाकी फिर भी आपकी चॉइस है, अगर आपको अगर आपने इसे पहले यूज़ किया है और आपको ये सही लगा है तो हो सकता है कि मतलब सही भी हो आपके लिए, बाकी मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप ये लेने वाले हैं तो इसके अंदर रिप्लेसमेंट है लेकिन रिटर्न नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा देख कर ही इसे ऑर्डर करें। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ का रिव्यू मुझसे चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप किस चीज़ का रिव्यू मुझसे चाहते हैं, ताकि मैं उस चीज़ का रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँ अपनी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।